नमस्कार फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने अभी तक कितने प्रकार के गोवर्धन भगवान जी बनाए हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक लाइक इस वीडियो को जरूर कर दीजिए। दीपावली से अगले ही दिन हम गोवर्धन पूजा करते हैं, लेकिन 25 अक्टूबर को सूर्य ग्रहण लगेगा, तो इसलिए यह पूजा 26 अक्टूबर को की जाएगी, क्योंकि सूर्य ग्रहण से 12 घंटे पहले ही सूतक काल शुरू हो जाता है, तो इस बार दिवाली की रात से ही सूतक काल शुरू हो जाएगा। गोवर्धन बनाने के लिए हमारे घरों में ज्यादातर एक गोबर के उपले के ऊपर दूसरे उपले रख के ढेरी सी बना के इस तरह से बनाया जाता है, लेकिन 2017 में पहली बार मैंने ठाकुर जी का रूप बनाने की कोशिश की और ज्यादा मेरे पास चीजें नहीं थी उस टाइम अवेलेबल, तो मैंने सिर्फ जो खील होती है खीलों से ही उनका श्रृंगार किया, उनके कपड़े बनाए और इस तरह से मैंने इसे बनाया। ये तस्वीर 2017 की है। ये है 2018 में मैंने गोवर्धन जी बनाए थे, तो उस समय मैंने थोड़ी और ज्यादा सफाई से बनाया क्योंकि एक बार मैं पहले बना चुकी थी, और इस बार मुझे थोड़ा आइडिया हुआ कि मुझे इसमें कुछ रंग भी डालने चाहिए, तो फिर रंगोली जो दिवाली पर हम रंगोली बनाते हैं उसके जो मेरे पास रंग बचे हुए थे मैंने उन्हीं का इस्तेमाल किया। जो घास होती है घास का इस्तेमाल किया, गोवर्धन पर्वत जो मैंने बनाया था गोबर से उसके ऊपर मैंने घास रखी। उनके बीच में हम महिलाएं बनाते हैं जो कि दूध बिलो रही हैं और गायें बनाते हैं, ये सब भी मैंने गोबर से ही बनाया था और सबको हल्का हल्का रंग किया था। इसके बाद अब है 2019 में मैंने जो गोवर्धन बनाए थे वो कुछ इस तरह से बनाए थे। इसमें भी मैंने रंग किया था, लेकिन पहली बार मैंने इसमें जो लाइट्स होती हैं इलेक्ट्रिक लाइट्स लड़ियाँ जिन्हें हम बोलते हैं दिवाली पर लगाते हैं, उनका हमने इसमें इस्तेमाल किया था। तो और ये मैंने थोड़ा खुली जगह पे बनाया था, इसलिए यहाँ पर मुझे काफ़ी ज़्यादा खुला एरिया भी मिला और यहाँ पर हमने खूब इसमें लाइटनिंग भी की। जो गोवर्धन पर्वत है उसे हमने लाल रंग की लाइट से सजा दिया था, जो कि बहुत ही सुंदर देखने में लग रहा था। ये 2019 का था। उसके बाद 2020 में मैंने गोवर्धन जी बनाए, तो अब तो मैं हर बार इसी तरह के बनाती हूँ, तो मैंने इसमें कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं किया, वही प्रतिमा रूप में ठाकुर जी को बनाया, लेकिन जो उनके लोटस फीट हैं जो उनके चरण कमल हैं वो कमल के ऊपर ही बनाए, नीचे एक कमल के फूल की आकृति बनाई और इस तरह से मैंने कुछ इनको बनाया। और रात के समय जब हम पूजा करते हैं तो वो सबसे ज़्यादा देखने लायक होता है, क्योंकि चारों तरफ जब लाइटनिंग जल रही होती है और पूजा हो रही होती है उस टाइम, तो वो बहुत ही सुंदर लगता है देखने में। और आप भी देख सकते हैं ये मैंने इस तरह से बनाया था। ये है 2021 में मैंने जो बनाया था, जो कि पिछले साल ही बनाया था, और मैं हर बार सोच रही थी कि अब मैं कुछ और चेंजेस करूंगी, लेकिन इसमें मैंने सिर्फ यही चेंज किया था कि मैंने इसमें मोर भी बनाए थे, जो इसका जो कृष्ण भगवान जी की प्रतिमा है इसके नीचे, तो मैंने पैरों के नीचे तो कमल के फूल ही बनाया था, लेकिन साइड में दो मोर भी बनाए थे। और आप देख सकते हैं कि ये आपको कैसा लग रहा है देखने में, वही सारी लाइटनिंग वगैरह करके इसी तरह से बनाया था। आप भी इससे कुछ आइडिया ले सकते हैं अगर आप इस तरह से बनाना चाहते हैं। तो ये पिछले 5 साल का है जो मैंने गोवर्धन बनाए हैं अभी तक, और अभी नेक्स्ट जो बनेगा वो 26 अक्टूबर को बनेगा, क्योंकि 25 अक्टूबर को सूर्य ग्रहण होने के कारण उस दिन गोवर्धन नहीं मनाया जाएगा त्यौहार ये, तो इसलिए ये 26 अक्टूबर को ही मनाया जाएगा। तो आप भी यहाँ से देख के कुछ आइडिया ले सकते हैं। अगर आप इजी और थोड़ा इजी करना चाहते हैं तो आप नीचे पहले चौक से इसको ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन मैं हमेशा फेस से बनाना शुरू करती हूँ और इसलिए मैं ड्रॉ नहीं करती। या तो फेस बना लीजिए पहले या पर्वत बना लीजिए, और पर्वत से भी आप शुरू करके बना सकते हैं, इजीली ये बन जाता है। और शाम के समय फिर जैसे सभी पूजा करते हैं इसी तरह हमारे घर में भी पूजा की जाती है, घी बूरा और चावल का भोग लगाया जाता है, हमारे यहाँ पर गड़बड़े बनाए जाते हैं, और आज के दिन गोवर्धन पूजा के समय भी बीच में एक कच्चा गड़बड़ा रखा जाता है जिसके बीच में दिया जलाया जाता है, और बाकी दिए तो जलाए ही जाते हैं कितनी भी आप लाइटनिंग कर सकते हैं। और गोवर्धन पर्वत को उठाकर भगवान जी ने ये संदेश दिया था कि भगवान हमेशा अपने भक्त के साथ रहते हैं। इंद्रदेव का उन्होंने घमंड चूर किया था और वृंदावन वासियों को भगवान इंद्र के क्रोध से बचाने के लिए ही उन्होंने गोवर्धन पर्वत को उठाया था। मेरे घर में तो गायें हैं, हमेशा से ही गायें हमारे घर में हैं, तो जो भी गोबर है वो मुझे घर से ही मिल जाता है, इजीली अवेलेबल रहता है, जितना भी वो सारा गाय के गोबर से ही मैं इसे बनाती हूँ। तो ये एक वीडियो मैंने डाली है सिर्फ आप लोगों को थोड़ा आइडिया देने के लिए, और मैं पिछले 5 साल से किस तरह से गोवर्धन
भगवान जी की ये बना रही हूँ वो दिखाने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक जरूर करना, अगर ना पसंद आए तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और ये वीडियो आपको कैसी लगी और मैंने जो गोवर्धन जी बनाए हैं ये आपको कैसे लगे, इसके बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। आने वाले सभी त्योहारों की आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। राधे राधे। थैंक यू सो मच।